पे एक न्यू स्टार्ट कर लेते हैं, एक न्यू फाइल से शुरुआत करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे ये हमारे सामने शुरू हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये हमारा लास्ट टाइम वाला काम था, इसको क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एन करके न्यू करेंगे, एक नई फाइल लेके, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक नई फाइल की शुरुआत करनी है, ओके। तो सबसे पहले आपने अपना पेपर सेट कर लेना है यहाँ से जाके A4 के ऊपर, तो यहाँ क्लिक करेंगे और A4 के ऊपर अपना पेपर यहाँ से सेट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने ये जो यहाँ पर डबल क्लिक करके हेड, आपके वैसे ब्लैंक पेज लेंगे तो उसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मेरे पास आ रहा है तो इसलिए मुझे इसको हटाना है। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाके इस तरह के शेप्स कैसे बनेंगे और इस तरह के कार्ड्स या कवर पेज कैसे बना सकते हैं, इंसर्ट में जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्टाइल ये ले लेंगे, ये बनाने के बाद इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से, और सेट हो जाए तो जब इसको यहाँ से पकड़ के इस तरीके से घुमाएंगे हम इसको कहाँ पे लेके जाना है। तो अब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको समझने में कि ये इस तरह से आ रहा है, तो इस तरह से आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके हमें इसको ऐसे सीधा करना है, ठीक है। ऐसा सीधा करके आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेट कर लेना है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से खुद ही क्रिएट हो जाएगा। इसका डुप्लीकेट लेंगे कंट्रोल डी करके, डुप्लीकेट ये आ गया, डुप्लीकेट इसका यहीं पर हो गया। फिर डुप्लीकेट लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ये डुप्लीकेट थोड़ा छोटा हो गया। अब ये कैसे रखना है देखें, ये इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पे रख ले, तो ये देखिए इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा करना है तो इसको यहाँ से इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके शेप के ऊपर, शेप फॉर्मेट पे जाएंगे, इस पे जो भी कलर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आप वो आपकी मर्जी है। जैसे इसमें ऑरेंज और ग्रे बना हुआ है, आप इससे बेहतर समझते हैं कि मैं इससे अच्छा बना सकती हूँ कलर कॉम्बिनेशन, बना सकते हैं। जैसे हम इसके ऊपर ये इसके साथ और इसके साथ एक ये वाला बना देते हैं, ठीक है ना, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। या कोई आप इस तरह का बना लें लाइट ग्रे के साथ, इस तरह का बना लें, तो जो भी कॉम्बिनेशन बनाए आपकी मर्जी है। उसके बाद शेप फिल में जाके यहाँ से जो भी कलर आपने लिया इस तरह का या जिस तरह का भी कलर है, जैसे उसमें उन्होंने ऑरेंज कलर दिया हुआ है, अब ऑरेंज कलर के ऊपर ये ग्रे कलर दिया हुआ है नीचे, तो यहाँ पे क्लिक करके ग्रे कलर आपको यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पे रख लें इस तरीके से। अच्छा, अब इसके साइड में देखिए कि आउटलाइन भी नहीं दिए हुए उन्होंने, तो यहाँ पे जाके शेप फॉर्मेट में आउटलाइंस को भी नो आउटलाइंस कर दें आप जाके, कि यहाँ पे जो आउटलाइंस दिए हुए हैं ये भी यहाँ से खत्म हो जाए। सही, आउटलाइन भी खत्म हो गए और ये डिजाइन भी बन गया आपका। अब रह गया इसके अंदर क्या, टेक्स्ट वगैरह लिखने का हिसाब किताब। और ये असल में ये इसके अंदर एक फोटो लगाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसमें कोई पैटर्न देना हो तो कैसे देंगे। डिफरेंट पैटर्न भी दे सकते हैं आप शेप फिल में जाके, टेक्सचर पे क्लिक करें, यहाँ बने बनाए टेक्सचर हैं, पर ये टेक्सचर तो इसी कलर पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आइए मोर पैटर्न पे, यहाँ से आइए पैटर्न पर, यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंट किस्म के पैटर्न मिल जाएंगे, इस तरह का पैटर्न, ठीक है, इस तरह का पैटर्न भी मिल जाएगा। इन पैटर्न को लगाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप नीचे वाले शेप पर एक पूरा कलर दे दें, फिर उसकी कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करें और उस डुप्लीकेट शेप को उसी के ऊपर इस तरह फिक्स कर दें और फिर उसके ऊपर पैटर्न दे दें, तो नीचे कलर भी आता रहेगा और ये इस तरह का। लेकिन वही बात है कि फिर ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है, वही सही है इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट पैटर्न दे दें जो पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है, इस तरह का पैटर्न, इस तरह का पैटर्न या इस तरह का पैटर्न दे। अब रही बात कि कोई इमेज अगर इसके अंदर लगानी है शेप के अंदर, तो वो पहले इमेज आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने कंप्यूटर में। तो अगर आपके पास इंटरनेट चल रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके पैटर्न्स सर्च कर लें, इमेजेस आ जाएंगे बहुत सारे। अब इनमें से ये वाला पैटर्न है, जैसे ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये डिफरेंट पैटर्न है, जो पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, ये वाला पैटर्न भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पैटर्न
पैटर्न लिखे आगे गेटी इमेज। ये पैटर्न समझ में आया जैसे। अब पहले इस पर राइट बटन दबा के सेव इमेजेस एज कर लो। जेपीजी या पीएनजी फाइल में सेव हो जाएगा, ये कंप्यूटर में कहीं भी अपने फोल्डर्स में इस फाइल को सेव कर लो। उसके बाद चले जाओ वर्ड में, यहाँ क्लिक कर लो, शेफ फॉर्मेट पे क्लिक कर लो, शेफ फिल पे क्लिक कर लो, या कलर सारे के नीचे आ जाओ पिक्चर का ऑप्शन, यहाँ से फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर लो, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में चले जाओ जहाँ सेव किया था, ये आ गया पैटर्न, सही है ना। इस तरह के पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे जो आप लगाना चाहें इसके ऊपर। कुछ पे टैग लगे होंगे, कुछ पे नहीं होंगे, जिस इस तरह के भी गेटी इमेज वाले पे सब पे टैग लगे होते हैं क्योंकि फ्री नहीं है ये, तो मिल रहे हैं तो ठीक है। ये वाला है, इस पे टैग नहीं है। राइट बटन दबा के पैटर्न 2 के नाम से कर लिया। तो ये ऐसे करके इसके ऊपर आप लगा सकते हो, ठीक है। रह गया रिमेनिंग काम। ये काम करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे इंसर्ट में एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा आपको, जो ऑलरेडी एक बॉक्स है उसमें टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये लेके आप यूज़ कर लें। कितना बड़ा कितना छोटा करके यूज़ करना है इसे यूज़ कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टाइप करना है फिर आप टाइप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर दूसरा ये जो टैग बनाते हैं ऊपर नीचे का, तो उसमें भी आपके पास हेल्प है। यहाँ से वर्ड आर्ट ले लें। अब इसमें लिखना है सपोज टू बी, सेलेक्ट ऑल कर लें यहाँ से, लाइंस ड्रॉ करने के लिए शेप्स अवेलेबल है लाइंस के। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस तरह की चीज अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये चीजें आप इजीली इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। सेव कर लें अपनी फाइल को।